हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रोग्रामिंग फॉर लैंग्वेजेस का सेशन नंबर 2। अब तक हमने ये देख लिया था कि इफ कंट्रोल स्ट्रक्चर किस तरह से इस्तेमाल होता है, और उसके बाद हमने वॉवल काउंटिंग का कोड देख लिया था। अब हम वॉवल काउंटिंग का कोड देखकर हमने ये देख लिया था कि किसी वर्ड में वॉवल्स और नॉन वॉवल्स किस तरह से काउंट कर सकते हैं। आगे चल के अब हम ये देख रहे हैं कि वॉवल्स और नॉन वॉवल्स के अलावा क्या हम ये कर सकते हैं कि वॉवल्स को काउंट करने के बजाय हम उन्हें लिस्ट कर लें कि ये वॉवल्स मेरे इनपुट वर्ड में इस्तेमाल हुए हैं। तो अब हमें लिस्टिंग ऑफ वॉवल्स या लिस्टिंग ऑफ जो भी चीज़ हम सर्च करना चाहते हैं उसकी लिस्ट बनानी है। स्टार्ट तो मैंने वॉवल से किया है, लेकिन इसको एक्सटेंड करके अक्सर प्रोग्रामिंग में ये होता है या जिसमें आपको वर्ड सर्च करने पड़ते हैं कि मेरे पास इस डोमेन के वर्ड्स ये मौजूद हैं, ये वर्ड्स कितनी दफा ये कॉर्पस में आए हैं। तो वो सर्च करने के लिए अगर आपको कोड लिखना होगा तो इस तरह का कोड लिखना होगा। इस सिंपल एग्जांपल वॉवल से जल्दी समझ में आ जाता है। नेक्स्ट सेशन में हम कोशिश करेंगे कि एक बड़ी फाइल रीड करें, टेक्स्ट फाइल या कॉर्पस फाइल, और उसमें हमारे पास गिवन वर्ड्स हो, वो वर्ड सर्च करके बताएं कि ये वर्ड इतनी दफा यूज हुआ है, ये वर्ड इतनी दफा यूज हुआ, जो अक्सर लिंग्विस्ट को प्रैक्टिकली कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स में करना होता है। तो जस्ट ये उसकी है, एक तरह से वार्म अप हो रहा है उस काम के लिए कि हम चार पांच वॉवल्स हैं उन्हें सर्च करके वर्ड के अंदर देख रहे हैं, और फिर इसी कोड को हम एक्सटेंड करेंगे, इस जैसा कोड लिखेंगे वर्ड्स को कॉर्पस में सर्च करने के लिए और उनकी लिस्ट बनाने के लिए। तो वॉवल्स इन द वर्ड, हमने एक लिस्ट बनाई वॉवल्स इन वर्ड, और अभी इसमें वो खाली है। वर्ड वही चला आ रहा है जो पिछले सेशन में था, उसमें हमने इनपुट पाकिस्तान लिखा था, तो अब PAKISTAN वही मौजूद है। फॉर CH इन वर्ड, अच्छा अब लूप उसी तरीके से चलेगी जैसा था कि हमने लूप चलाई, और उसके बाद चेक किया इफ CH इन वॉवल्स। पहले हम देखते थे इफ CH इन वॉवल्स काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन कर देते थे। यहां हम काउंट नहीं कर रहे, बल्कि जो करेक्टर है उस करेक्टर को अपेंड कर रहे हैं वॉवल लिस्ट पे। तो वॉवल्स इन वर्ड वाली जो लिस्ट है इसमें चीजों को अपेंड कर रहे हैं। पहले ये होता था, ए मिला तो हमने काउंट की वैल्यू वन इंक्रीमेंट कर दी, वन हो गया। आई मिला तो काउंट की वैल्यू वन और इंक्रीमेंट कर दी, काउंट की वैल्यू टू हो गई। फिर तीसरा ए मिला तो हमने काउंट की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट कर दी, वो काउंट की वैल्यू थ्री हो गई। अब हम वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं कर रहे, यहाँ पे काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन नहीं है, बल्कि हम उसकी जगह ये लिख रहे हैं कि वॉवल्स इन वर्ड डॉट अपेंड ऑब्जेक्ट। लास्ट टाइम ऑब्जेक्ट की बात की थी, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज होती हैं और ऑब्जेक्ट के मेथड्स होते हैं। प्रॉपर्टीज जस्ट जिस तरह से ये लैपटॉप है, इस लैपटॉप की एक स्क्रीन की डायमेंशन है, इतनी लेंथ है, इतनी विड्थ है, इसका वेट है, ये सारी चीजें इसकी प्रॉपर्टीज हैं। एक्शन परफॉर्म क्या कर सकते हैं, इससे हम इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं, इससे हम प्रिंटिंग करवा सकते हैं, तो ये इसके एक्शंस हैं जिन्हें हम मेथड्स कहते हैं। तो वॉवल्स इन वर्ड एक ऑब्जेक्ट बन गया है जिसका मेथड है अपेंड, और हम लिस्ट में चीजें अपेंड कर सकते हैं। तो जब ए आएगा तो ए अपेंड हो जाएगा, जब आई आएगा तो आई अपेंड हो जाएगा, जब ए दोबारा से आएगा तो ए अपेंड हो जाएगा। तो हमने जब इसे रन किया तो वन बाय वन काउंट करने के बजाय पहली दफा में ए अपेंड हो गया, दूसरी दफा में आई अपेंड हो गया, तीसरी दफा में ए अपेंड हो गया। चाहे तो फिर हम उसी तरह से लिख भी लेते हैं लिस्ट को, प्रिंट लिस्ट, अगर मैं रिप्रिंट करवा दूं वॉवल्स इन वर्ड, और वॉवल्स इन वर्ड अब मैं ये प्रिंट करवा दूं तो क्या रिजल्ट आएगा? पहले ए अपेंड हुआ, उसके बाद ए के साथ आगे आई भी अपेंड हो गया, और फिर ए आई ए अपेंड हो गया। आखिर में हमें पता चल गया था वर्ड पाकिस्तान हैज फॉलोइंग वॉवल्स ए आई एंड ए। तो हमने लिस्ट में अपेंड करवा दिया। अक्सर लिस्ट ये तो नहीं होगा कि लिस्ट सारी हम हाथ से हार्ड कोड करें, तो लिस्ट में हमें चीजें अपेंड करवानी होंगी। लिस्ट में चीजें अपेंड इस तरह से होती हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर लिस्ट, और लिस्ट को इंडेक्स लास्ट टाइम हमने करके देखा था, आज हमने उसमें चीजें अपेंड करके भी देख ली। अब यह है कि अगर कोई ये कह सकता है कि मुझे
यूनिक वॉवल चाहिए, इसमें ए दो दफा आ रहा है, तो जस्ट मुझे एक ऐसी लिस्ट चाहिए जिसमें ए लिखा हुआ आई लिखा हुआ। मैं बहुत बड़ा मुझे टेक्स्ट मिला, मैं उसमें कह रहा हूँ इसमें कितने यूनिक वॉवल्स हैं, या आगे जाके ये इस्तेमाल होता है कि इसमें कितने यूनिक वर्ड्स हैं, तो यूनिक वॉवल्स चाहिए ए दो दफा ना आए। तो यूनिक वॉवल्स या यूनिक चीजें स्टोर करने के लिए जो डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है उसे सेट कहते हैं। मैथमेटिक्स में भी सेट कहते हैं कि सेट के एलिमेंट्स यूनिक होते हैं, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता। तो हम सेट यूज करेंगे अगर हमें यूनिक एलिमेंट्स चाहिए। तो जस्ट दो एग्जाम्पल हैं पहले और फिर हम वापस उस पर आते हैं। एक वेरिएबल बनाया सेट वन, सेट वन इज इक्वल टू सेट। अच्छा, सेट को डिक्लेयर करेंगे तो इस तरह से करेंगे, सेट को इनिशियलाइज करेंगे तो इस तरह से करेंगे, लिस्ट इनिशियलाइज की थी तो वो स्क्वायर ब्रैकेट, लिस्ट वन इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट हमने ये लिख दिया था। और उसके बाद लिस्ट में हमने क्या किया, लिस्ट वन डॉट अपेंड 5, लिस्ट वन डॉट अपेंड 2, लिस्ट वन डॉट अपेंड 10 एंड सो ऑन, ये चलता गया और ये सारी चीजें अपेंड होते होते लिस्ट में आ गई। यहां पर अब हम लिस्ट वन के बाद, लिस्ट वन में तो ये सारी चीजें आ गई, सेट जब डिक्लेयर करेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा सेट और उसके आगे पैरेंथेसिस या आप राउंड ब्रैकेट्स कह लें, ये मौजूद है। तो आपने सेट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सेट वन, वही वाली चीजें सेट वन डॉट एड, लिस्ट के लिए फंक्शन का नाम मेथड का नाम अपेंड है, सेट के लिए एड है। अपेंड का मतलब क्या होता है कि जो चीज पहले, एक चीज पहले से मौजूद है उसके आगे ये चीज आके अपेंड कर दो, आगे कॉन्कैटिनेट कर दो, उसका मकसद कुछ इस तरह से होता है। ऐड का मतलब सिर्फ कि सेट में ऐड कर रहे हैं, तो ऐड 5, ऐड 2, ऐड 10, सेट 1 डॉट ऐड 5, ऐड 5, तो 5 हमने तीन दफा ऐड किया। जब इस सेट को हम प्रिंट करेंगे तो आंसर आ रहा है 9, 2, 10 और 5, 5 सिर्फ एक ही दफा आ रहा है, ये नहीं हो रहा कि 5 तीन दफा आए। क्यों? क्योंकि सेट में हमेशा यूनिक एलिमेंट्स स्टोर होते हैं। 5 अगर हम 10,000 दफा अपेंड कर देंगे तो वो सिर्फ एक ही दफा आएगा। तो डेटा स्ट्रक्चर हमें यूज करने पड़ते हैं अपनी नीड के हिसाब से। अगर हमें यूनिक चीजें सेट चाहिए तो हम सेट यूज करेंगे, अगर हमें नॉन यूनिक चाहिए, जो जो चीजें भी आती जा रही हैं वो लिखते जा रहे हैं, तो उसके लिए हम लिस्ट चाहें, लिस्ट यूज करेंगे। तो ये दो दो डेटा स्ट्रक्चर से आपका तारुफ हो गया। अब असल सवाल वही है कि हमें ये कोड था, इस कोड में हमें वॉवल्स इन वर्ड में जो हमें रिजल्ट मिला वो नॉन यूनिक वॉवल्स थे, एक कोई वॉवल रिपीट हो सकता था। तो अब हमें रिपीट नहीं करना, तो क्या क्या चेंज करनी होगी? दो चेंज करनी होगी, जहां वॉवल्स इन वर्ड लिखा हुआ है वहां पे कोई और वेरिएबल बनाएंगे और उसे सेट से इनिशलाइज कर देंगे, उसे सेट वेरिएबल बना देंगे। अभी तक डेटा टाइप को मैं हाइड करता हुआ आ रहा हूँ कि डेटा टाइप क्या होती है हम डिस्कस नहीं कर रहे, नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस कर लेंगे। पाइथन की अच्छी बात यह है कि वो डेटा टाइप्स को ज्यादा इंटरनली डील कर रहा होता है, एक्सटर्नली नहीं बता रहा होता, इसलिए मैं उसकी बात नहीं करता हूँ। तो वॉवल्स इन वर्ड्स की जगह हम एक सेट बना लेंगे और उस सेट में चीजों को अपेंड की जगह, जहां ये अपेंड लिखा हुआ है, अपेंड की जगह उस सेट में चीजों को ऐड करते जाएंगे। बस ये दो फर्क हमें करने। तो हमारे पास ये कोड दोबारा से, हमने एक नया बनाया वेरिएबल यूनिक वॉवल्स और वो एक सेट था। तो यूनिक वॉवल इज अ सेट। अब उस सेट में फिर हमने वर्ड को आइट्रेट करना शुरू किया, पहले पी जाएगा सी एच में, दोबारा फिर ए जाएगा, फिर के जाएगा, फिर आई जाएगा एंड सो ऑन, ये सिलसिला चलता रहेगा। उसके बाद अगर वो करेक्टर फायदा में पी वॉवल्स में है तो हम यूनिक वॉवल्स में उसको ऐड कर देंगे, अगर नहीं है तो जाहिर ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। इफ ए इज इन वॉवल लिस्ट, वॉवल लिस्ट ऊपर बनी हुई थी, तो हम उसमें यूनिक वॉवल्स के सेट में सी एच को ऐड कर लेंगे, अगर वो इसमें नहीं होता तो ऐड नहीं करते। तो ये आइट्रेशंस चलती गई, ए और आई जो है ये दोनों ऐड होंगे, सिर्फ ए दो दफा ऐड नहीं होगा। तो जस्ट बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, आपको पहला काम प्रोग्रामिंग में ये सोचना होता है कि मेरी प्रॉब्लम के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हमने सेट यूज कर लिया जिसने हमें यूनिक चीजें रिटर्न कर दी। तो ये सेट का आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब जो लास्ट चीज है एनएलटीके लाइब्रेरी, कि हम लाइब्रेरी किस तरह से यूज करें एनएलटीके की। एनएलटीके इज नेचुरल लैंग्वेज टूलकिट। लास्ट टाइम
मैंने शायद कहा था कि दो मेजर लाइब्रेरीज हैं स्पेसी और एनएलटी के। स्पेस दोनों के अपने फायदे हैं अपने नुकसान हैं। इस वक्त मैं एग्जांपल नेचुरल लैंग्वेज टूलकिट से दे रहा हूँ। इसकी एक वजह ये भी है कि मैंने आगे ही आपको लिंक दे दिया है कि इसकी बुक अवेलेबल है, वो बहुत अच्छा ट्यूटोरियल है, तो आप खुद से जाके फास्ट स्पीड से पढ़ भी सकते हैं। जाहिर है 4-5 सेशंस में मैं कुछ चीजें करवा दूंगा, लेकिन ज्यादा कम्प्रिहेंसिव चीज आप एनएलटीके से कर लेंगे। बाकी यह है कि स्पेसी एक नई लाइब्रेरी आई है फास्ट डेवलपमेंट के लिए। इस डेवलपमेंट की स्पीड भी फास्ट हो और वो जब एग्जीक्यूट हो वो भी फास्ट हो, उसके लिए बाज दफा स्पेसी ज्यादा बेहतर होती है। तो नेचुरल लैंग्वेज टूलकिट इज अ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी क्या होती है कि कुछ लोगों ने काम करके पहले से रखा हुआ है, उनके काम को यूज कर रहे हैं। तो पाइथन के अंदर कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, कुछ ये है कि थर्ड पार्टीज कुछ दूसरे प्रोग्रामर कुछ दूसरे रिसर्च ग्रुप्स मिल अपने कोड लिख देते हैं और हम उनके कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्ट तो एनएलटीके को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तेमाल करने के लिए इम्पोर्ट एनएलटीके। गूगल कोलैब का एक फायदा ये भी है कि इसमें इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज पहले से इंस्टॉल्ड मौजूद है, वरना आपको वो लिखना पड़ता पी आई पी इंस्टॉल और एनएलटीके, तो वो आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल भी होती, वो एक लाइन है वो लिखनी पड़ती है बार दफा। लेकिन इस वक्त हमने इम्पोर्ट कर दी, तो अब एनएलटीके की फंक्शंस हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं ये लाइन ना लिखूं तो वो पहचानेगा नहीं। जैसे हम प्रिंट लिखते हैं तो वो पहचान लेता है क्योंकि वो पाइथन का अपना फंक्शन है। जब हम लेंथ लिखते हैं तो वो पहचान लेता है क्योंकि वो पाइथन का अपना फंक्शन है। एनएलटीके का कोई फंक्शन लिखेंगे तो उसके लिए पहले हमें इम्पोर्ट एनएलटीके करना पड़ेगा, उसके बाद वो उसे पहचानेगा। तो एनएलटीके हमने इम्पोर्ट की, अब हम एनएलटीके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ हमने दो पैकेजेस डाउनलोड किए, पंक्ट और एवरेज परसेप्ट्रॉन टैगर। पंक्ट बेसिकली टोकनाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है कि एक स्ट्रिंग है मेरे पास जिसमें स्पेसेस मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल एक जुमला लिखा हुआ है कि इट इज गुड, और तो वो इट को अलग कर दे, इसको अलग कर दे, गुड को अलग कर दे। उसके लिए जो पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह चाहिए वो पंक्ट में मौजूद है। और दूसरी चीज एवरेज परसेप्ट्रॉन टैगर, ये पार्ट ऑफ स्पीच टैगर है, ये पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग के लिए इस्तेमाल होगा। और बहुत सारे टैगर्स हैं, सबसे आसान टैगर सबसे तेजी से टैगर ये इस्तेमाल हो जाता है, इसलिए मैंने ये यूज कर लिया। पार्ट ऑफ स्पीच टैगर पे शायद नेक्स्ट सैटरडे को हम डिस्कस करें पार्ट ऑफ स्पीच टैगर्स क्या होते हैं, किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, किस तरह से हम उन्हें यूज कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो ये दोनों डाउनलोड होके आपके कंप्यूटर पे आ गए। नहीं। अच्छा, फॉलोइंग टेक्स्ट विल बी प्रोसेस्ड। अब हमें टेक्स्ट प्रोसेस करना है, और जो मैंने कहा था कि वर्ड और वॉवल वाले एग्जांपल इसलिए दी थी कि छोटी सी एग्जांपल से हम सीख जाए, अब हम थोड़ी बड़ी एग्जांपल पे जा रहे हैं। अभी मैंने दो सेंटेंसेस लिखे हैं, नेक्स्ट सेशन में हम एक टेक्स्ट फाइल रीड करेंगे और उस फाइल में फिर पे काउंटिंग करेंगे। तो हम कुछ बड़े टेक्स्ट पे आ गए हैं। तो इनपुट टेक्स्ट इज वी आर लर्निंग पाइथन और दे ऑलरेडी नो गुड प्रोग्रामिंग। दो सेंटेंसेस हमारे पास मौजूद है। अच्छा, इनपुट टेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्म इनटू द लिस्ट ऑफ वर्ब्स। अच्छा, इसको इनपुट टेक्स्ट जो है वो लिस्ट ऑफ करेक्टर्स है। अभी अगर इनपुट टेक्स्ट को देखूं तो उसमें पहला एलिमेंट डब्ल्यू है, दूसरा एलिमेंट ई है, तीसरा एलिमेंट स्पेस है, चौथा एलिमेंट ए, फिर आर, फिर ई एंड सो ऑन, ये चल रहा है। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है लिस्ट ऑफ करेक्टर्स के बजाय लिस्ट ऑफ वर्ड्स में। उसके लिए टोकनाइज करना था। टोकनाइज के लिए ही हमने फिर एनएलटीके का एक फंक्शन इस्तेमाल किया, वर्ड टोकनाइज। उसको हमने इनपुट टेक्स्ट एज अ पैरामीटर पास किया, ये पैरामीटर पास किया, और उसने रिटर्न में हमें टोकनाइज लिस्ट दे दी जो हमने पी टेक्स्ट में सेव कर ली। तो इनपुट टेक्स्ट को हमने पास किया वर्ड टोकनाइज से, और उसने रिटर्न में हमें एक स्ट्रिंग दे दी, एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स दे दी जो पी टेक्स्ट में सेव हो गई। तो प्रिंट इनपुट टेक्स्ट और प्रिंट पी टेक्स्ट, इनपुट टेक्स्ट ये आ गया। बाद में आप तजुर्बे करना चाहें तो ये टेक्स्ट और बड़ा कर दें, इसमें आगे 2-4 सेंटेंसेस और लिख लें और फिर उसे करके देखें। और अब हमने इसे टोकनाइज किया तो इसके टोकन्स
अच्छा, जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो पुराना वाला चेंज नहीं होता। इस ये दिखाने के लिए मैंने दो काम किए। एक काम तो ये कि प्रिंट इनपुट टेक्स्ट, इनपुट टेक्स्ट का था वी आर लर्निंग पाइथन, दे ऑलरेडी नो वर्ड प्रोग्रामिंग, तो ये इनपुट टेक्स्ट एज इट इज प्रिंट हो गया। और पी टेक्स्ट जो इसको टोकनाइज करके रिजल्ट आया था, इसे जब टोकनाइज किया तो इस फंक्शन ने रिटर्न किया पी टेक्स्ट में लिस्ट ऑफ टोकनाइज वर्ड्स। वी आर दूसरा एलिमेंट है, लर्निंग तीसरा एलिमेंट है, पाइथन चौथा एलिमेंट है, फुल स्टॉप। अच्छा, फुल स्टॉप बिल्कुल पाइथन के साथ लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद इसने इसके लिए इसका अलहदा टोकन जनरेट कर दिया। फिर दे ऑलरेडी नो गुड प्रोग्रामिंग और एक और फुल स्टॉप, ये इसके टोकन्स आ गए मेरे पास। तो ये टोकनाइजेशन हो गई। इंग्लिश के लिए वर्ड टोकनाइज अच्छा चल जाता है, उर्दू के लिए हमें कोई दूसरा टोकनाइजर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कभी ना कभी उर्दू आप यूज करेंगे तो उसमें इस तरह की प्रॉब्लम आएगी, जैसे पंक्चुएशन मार्क वर्ड के साथ लगे रह जाएंगे। उसके लिए फिर हमें टोकनाइजर एक और इस्तेमाल करना पड़ेगा। आफ्टर अप्लाइंग पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग, उसके बाद हम तो टोकनाइज तो कर दिया, उसके बाद अगला काम क्या है, हमें इसके पार्ट ऑफ स्पीच टैग्स टैगिंग करनी है। तो उसके लिए भी एक फंक्शन है nltk डॉट pos टैग। pos टैग से हमने ये प्रोसेस टेक्स्ट, पी टेक्स्ट का मतलब प्रोसेस टैग था जिसके अंदर टोकनाइज टेक्स्ट मौजूद है, यानी टोकन्स मौजूद है, इसका नाम टोकनाइज टेक्स्ट भी रख सकते थे, ये पास किया तो इसने पार्ट ऑफ स्पीच टैग्स एसोसिएट कर दिया। वी जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है, आर वर्ब है और वो वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म है, लर्निंग वर्ब की वो फॉर्म है जिसके आखिर में जी आती है, यानी प्रोग्रेसिव फॉर्म है या कंटिन्यूस फॉर्म है। पाइथन नाउन है nn और p, ये एक है पार्ट ऑफ स्पीच टैग सेट है जिसे जिसकी लिस्ट आपको नेक्स्ट सेशन में जो पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग पढ़ रहे होंगे ना उसमें हम देख लेंगे। और तो ये वो टैग सेट आपके सामने रखा हुआ हो तो आप पढ़ सकते हैं, तकरीबन 40 के करीब उसमें टैग्स है। nnp नाउन प्रॉपर, तो ये प्रॉपर नाउन है। फुल स्टॉप है। दे जो है वो फिर पर्सनल प्रोनाउन है। अच्छा, पार्ट ऑफ स्पीच टैगर क्या करता है, डिसएम्बिगुएशन करता है। प्रोग्रामिंग जो है वो वीबी जीबी हो सकता था, आई एम प्रोग्रामिंग में ये वर्ब होता कंटिन्यूस फॉर्म में तो वो वीबी जी होता। यहाँ पे गुड प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामिंग एज अ नाउन यूज हो रहा है तो ये खाली एनएन है। तो खाली नाउन कॉमन नाउन एनएन होगा, प्रॉपर नाउन को एनएनपी कहेंगे। और जो पार्ट ऑफ स्पीच टैक्सेट इस्तेमाल हुआ है इसे पेन ट्री बैंक टैक्सेट कहते हैं, और ये आपको नेट पे सर्च करें मिल जाएगा। नेक्स्ट सेशन में जो पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग का जो सेशन होगा उसमें एक्सप्लेन हम कर लेंगे कि कौन कौन से टैक्सेट होते हैं और हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे इस वक्त मैं रिकमेंड करता हूँ, दूसरे वाले सेशन में मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि हम यूज़ करें यूनिवर्सल टैक्सेट, क्योंकि इस वक्त सारी दुनिया वो यूज़ कर रही है। इस वक्त हमने पेन वाली एग्जाम्पल इसलिए कर ली कि इसको कॉल करना सबसे आसान था, तो फंडामेंटल सिखाने के लिए पेन वाले टैक्सेट यूज कर लिए। दोबारा ये आ गया, ये तो उसने वैसे ही प्रिंट कर लिया। अब हम इसको आइट्रेट कर सकते हैं क्योंकि ये लिस्ट है, जब भी हमारे पास लिस्ट है तो हम उसे आइट्रेट कर सकते हैं फॉर के थ्रू। तो फॉर के थ्रू जब हम इस लिस्ट को आइट्रेट करेंगे तो टैग टेक्स्ट एक लिस्ट है जिसमें दो एलिमेंट, जिसके हर एक के अंदर दो दो एलिमेंट मौजूद है, पहला एलिमेंट वर्ड है और दूसरा एलिमेंट उसकी पार्ट ऑफ स्पीच है। तो वो आएगा हर एक में, पहली दफा में पहला एलिमेंट आ जाएगा इसमें, दूसरी दफा में दूसरा एलिमेंट आ जाएगा, तीसरी दफा में ये तीसरा एलिमेंट आ जाएगा, चौथी दफा में चौथा एलिमेंट आ जाएगा, और हम वन बाय वन इसे प्रिंट करते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आप नोट करें कि V और PRP या AR और VP, VBP ये दोनों राउंडेड ब्रैकेट में है, तो ये एक और डेटा स्ट्रक्चर है। लिस्ट होती है हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में, जिस तरह से बाहर वाली लिस्ट है। सेट अगर आप ऊपर स्क्रॉल करके देखेंगे तो वो आपको कर्ली ब्रैकेट में मिलेगा, टपल्स आपको मिलेंगे राउंडेड ब्रैकेट में, तो ये टपल्स हैं। टपल्स की खास बात ये होती है कि अनचेंज्ड होते हैं, यानी हमने एक टपल बना दिया तो इसमें अपेंड या ऐड चीजें नहीं हो सकती। तो इसका फायदे और नुकसान होते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर अगर हमें पता है कि हमने ये टपल बना दिया, अब हम इसमें वी और पी आर पी के साथ कोई चीज़ ऐड नहीं करना चाहते,
तो इसे लिस्ट के तौर पे डील नहीं करेंगे बल्कि इसे टपल के तौर पे डील करेंगे। तो यहाँ जो लाइब्रेरी जिन लोगों ने बनाई वो उन्होंने यहाँ पे टपल्स यूज की जो राउंडेड ब्रैकेट में, और फायदा यह है कि ये इसे दोबारा से आप इसे अपेंड नहीं कर सकते, इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये टपल्स हमने वन बाय वन, वर्ड टैग आया पहला वर्ड पी आर पी, तो वन बाय वन पहला वर्ड ये प्रिंट हो गया, दूसरा ये प्रिंट हो गया, तीसरा ये प्रिंट हो गया, एंड सो ऑन, ये सारी चीजें प्रिंट हो गई। तो हम में जो पार्ट ऑफ स्पीच टैग्ड टेक्स्ट मिल गया है उससे हम आइट्रेट करके उसके एक एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। इस दफा ये एक्सेस हो रहा है, दूसरी दफा में दूसरा वाला एक्सेस हो रहा है, तीसरी दफा में तीसरा वाला एक्सेस हो रहा है। अच्छा, लास्ट एग्जाम्पल है हमारी, उसके बाद वो आ जाएगा एक्सरसाइज पे हम आ जाएंगे कि अब हम प्रिंट करवाना चाहते हैं इन टपल्स को अलहदा अलहदा। तो फॉर वर्ड टैग इन टैग, और इसके एलिमेंट्स को हम अलहदा अलहदा एड्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोग्रामिंग जो है वो इंडेक्स जीरो पर होगी और एन एन जो है वो इंडेक्स वन पर होगी। जब वर्ड टैग के अंदर गुड जे जे होगा तो गुड जो है वो इंडेक्स जीरो पर होगी और जे जे इंडेक्स वन पर होगा। तो आइट्रेट होगा, पहली दफा में एक चीज आएगी, वो जो टपल आएगा उसके एलिमेंट्स को हम अलग अलग कर सकते हैं। उस टपल का पहला एलिमेंट इंडेक्स जीरो होगा। लास्ट टाइम मैंने कहा था कि प्रोग्रामिंग में हर चीज जीरो से स्टार्ट होती है, काउंटिंग हम वन से स्टार्ट नहीं करते बल्कि इंडेक्सिंग हम काउंटिंग के बजाय इंडेक्सिंग हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो पहला वाला प्रोग्रामिंग हुआ, गुड हुआ, नो हुआ, वो वर्ड टैग जीरो कहलाएगा, और उसके बाद जो दूसरा है जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसे वर्ड टैग वन कहेंगे। तो हम आइट्रेट करते जा रहे हैं और हर बार जो वर्ड टैग आता है उसका पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट प्रिंट करवा देते हैं। तो ये किस तरह से प्रिंट हो रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच पहली दफा में वी पी आर पी आया, तो पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ वर्ड टैग जीरो में वी था, वी आ गया, इज वर्ड टैग वन में पी आर पी था, ये आ गया। आइट्रेशन दोबारा से चली, दूसरी दफा में आर और वी वी वर्ड टैग के अंदर आर और वी बी पी आ गया, तो वर्ड टैग जीरो में आर था, आर प्रिंट हो गया, वर्ड टैग वन में वी वी पी था, ये प्रिंट हो गया, एंड सो ऑन। ये हम आइट्रेट करते गए और जीरो और वन में ये चीजें प्रिंट होती गई। ये एग्जांपल है लास्ट। इसके बाद अब आपसे मैं ये कहूंगा कि कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, उसके बाद फिर एक्सरसाइजेस है कि ये एक्सरसाइजेस आप सॉल्व करें और नेक्स्ट और उसका सलूशन फिर मैं बाद में तीन चार दिन बाद आपको भेज दूंगा। तो द सलूशन विल बी शेयर्ड ऑन ट्यूजडे 26th में। वाली बात हो गई। अच्छा, एक्सरसाइज में अब आप ये देख लें, एक बात तो मैं बार बार इम्फेसिस कर रहा हूं कि अगर आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है कि कौन कौन से फंक्शंस और कौन कौन से कोर ऑब्जेक्ट्स, कौन सी क्लासेस अवेलेबल हैं, तो एनालिटिक के बुक पे जाके आप पढ़ें कि ये काम हो सकता है प्रोग्रामिंग के थ्रू। प्रोग्रामिंग में आपको तीन चीजें सीखनी है, सिंटैक्स सीखना है, और उसके बाद अगर जो रेलेवेंट लाइब्रेरीज है उनके फंक्शन पता करने के कौन से फंक्शन है, सिंटैक्स सीखना है ताकि आप कोड लिख सकें, रेलेवेंट प्रोग्रामिंग बुक्स लाइब्रेरीज आपको सीखनी है ताकि ये नहीं हो कि आप लेंथ बनाने का कोड आप खुद भी लिख सकते हैं। लेंथ ऑफ वर्ड के लिए आप कोड खुद भी लिख सकते हैं, बड़ा आसान है, लेकिन वो चार लाइनें आप क्यों लिखें जब लेंथ का फंक्शन मौजूद है। तो कौन कौन से फंक्शन मौजूद है जिसे आप यूज कर सकते हैं वो आपको सीखना है, और तीसरी चीज फिर यह है कि आपको कोड लिखना किस तरह से वो प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए फिर आपको जैसे एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोड मंकी डील कर लिए, कोड इसके अलावा और एग्जाम्पल। अच्छा, इसके बाद अब तो ये तो लॉन्ग टर्म में क्या करना है, शॉर्ट टर्म में आप आज और आज कल में ही जो काम कर लेना चाहिए आपको, ये तीन चीजों के लिए कोड लिखें। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल पर्सनल प्रोनाउंस इन द इनपुट टेक्स्ट। जो इनपुट टेक्स्ट पीछे गिवन है उसी को आप यूज कर रहे हैं, और उसमें आपको लिस्ट ऑफ ऑल पर्सनल प्रोनाउंस मालूम करनी है। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, जो वो चीजें जिनका पी आर पी, जैसे दे एक पर्सनल प्रोनाउन है जिसका पार्ट ऑफ स्पीच टैग पी आर पी होगा। पार्ट ऑफ स्पीच टैग यानी आप इसी तरह का कोई कोड लिखेंगे,
इसे आइट्रेट करेंगे, आइट्रेट करके वर्ड टैग वन को चेक कर रहे होंगे, तो और उसको आपको वेरिएबल काउंट में पर्सनल प्रोनाउन को काउंट करना है। अभी तक आप वॉवल्स काउंट करते आ रहे थे, अब आपको पर्सनल प्रोनाउन काउंट करने है। तो मैंने कुछ लिख दिया है कि आप वर्ड टैग वन को फॉर की लूप के अंदर वर्ड टैग वन इज इक्वल इक्वल पी आर पी ये कर सकते हैं चेक, और लिस्ट प्रोनाउन एक वेरिएबल बनाकर उसमें वर्ड टैग जीरो यानी कौन सा वर्ड है ये ऐड कर सकते हैं। तो मैंने आधा सोल्यूशन लिख भी दिया है, मैं आपको लिगो के दोनों टॉयस के दो कंपोनेंट दे दिए, आपको सिर्फ इनको मिक्स करना है। तो ये सोल्यूशन है और ये सोल्यूशन है, इन दोनों को मिक्स करके, इन दोनों को एक साथ अरेंज करके, ऑर्गेनाइज करके आप बना सकते हैं कि आखिर में वो ये बता दे कि इस वाले में द गिवन टेक्स्ट हैज फॉलोइंग पर्सनल प्रोनाउन, और फिर वो एक लिस्ट होगी जिसमें वी होगा और दे होगा, क्योंकि वी इज पी आर पी एंड दे इज पी आर पी। ये आपको कोड लिखना है और इसी तरह से आपको दूसरा कोड लिखना है, वो मेक लिस्ट ऑफ ऑल पर्सनल प्रोनाउंस इन द इनपुट पर्सनल, पहला तो ये है, दूसरा यही है सिर्फ ऑल प्रॉपर नाउंस। प्रॉपर नाउंस का जो प्योर्स टैग है, पार्ट ऑफ स्पीच टैग है, वो एन एन पी है, तो जो ऊपर वाला होगा वो उसी में आपको पी आर पी की जगह एन एन पी यूज करना होगा। तो दूसरा ये हो गया। तीसरा यह है कि आपको दो चीजें एक साथ काउंट करनी है, पर्सनल प्रोनाउन भी इनपुट टेक्स्ट में और प्रॉपर नाउंस भी इनपुट टेक्स्ट में। तो इसके लिए आपको सजेशन ये दी है हिंट में कि दो लिस्ट बनाएंगे आप, प्रोनाउन लिस्ट और पर्सनल प्रोनाउन लिस्ट और प्रॉपर नाउन लिस्ट। If you if or else if use करेंगे कि अगर if वर्ड टैग वन जो है वो पी आर पी होगा तो पर्सनल प्रोनाउन वाली लिस्ट में ऐड कर देंगे, else if अगर वो वर्ड टैग वन जो है वो एन एन पी होगा तो आप प्रॉपर नाउन वाली लिस्ट में ऐड कर देंगे, वरना कुछ नहीं करेंगे। तो तीसरा ये है, इन तीनों को कोट करने की कोशिश करें, फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन भेजूंगा।